हेलो दोस्तों, अगर आप भी सावन में देवघर जाना पसंद करते हैं तो इस वीडियो में आपको दो जोड़ी ट्रेन के बारे में बताऊंगा जो पटना से चल के आसनसोल तक जाएगी। उससे पहले आप सभी को मेरी तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो में जान लेते हैं पूरी जानकारी, कौन कौन सी ट्रेन होने वाली है, कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी और कितने बजे खुलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो ट्रेन होने वाला 0:35-11 आसनसोल पटना श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन, जो की 22 जुलाई से 19 अगस्त तक चलेगी। यह ट्रेन जो है सप्ताह में 2 दिन चलेगी, सोमवार और बुधवार। और यह ट्रेन जो आसनसोल से खुलेगी तो शाम को 4:50 पर खुलेगी। वहीं वापसी में अगर बात करें तो 0:35-12 बनकर पटना आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली है, जो कि 23 जुलाई से 20 अगस्त तक चलेगी। और यह ट्रेन मंगलवार और गुरुवार को पटना से चलेगी। पटना से इसका समय होगा रात को 1:15 पर यह ट्रेन खुलेगी। यह ट्रेन अगर दोनों दिशाओं में कौन कौन से स्टेशन पर रुकेगी उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, मनकटा, बरहिया, हाथीदह, मोकामा, बार, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुआ, पटना साहिब, राजेंद्र नगर और उसके बाद पटना को आएगी। वहीं अगर दूसरे ट्रेन की बात करें तो 0:35-49 आसनसोल पटना श्रावणी मेला स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन जो कि 23 जुलाई से 17 अगस्त को यह ट्रेन चलेगी। और यह ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलने वाली है, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को। आसनसोल से यह जब ट्रेन खुलेगी तो 4:50 पर यह ट्रेन खुलेगी। वहीं अगर वापसी में इस ट्रेन की बात करें तो 0:35-50 बनकर पटना से चलेगी, जो कि पटना आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन होने वाली है, जो कि 24 जुलाई से 18 अगस्त तक यह ट्रेन चलने वाली है। और यह भी ट्रेन सप्ताह में 3 दिन चलेगी, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को। अगर इसका पटना से खुलने का समय देखा जाए तो रात को 1:15 पे खुलेगी। यानी कि जो आसनसोल से पटना ट्रेन चलेगी सप्ताह में 7 दिन चलेगी, 3 दिन तो इधर हो गया और 2 दिन उधर हो गया, 5 दिन। यानी कि सप्ताह में 5 दिन यह ट्रेन चलने वाली है और समय एक ही रहेगा, दोनों ट्रेनों का एक ही रहेगा, जो मैंने पहले बताया और ये वाला ट्रेन बताया। अगर इस ट्रेन की 0:35-49 और 0:35-50 की ट्रेन की दोनों दिशाओं में ट्रेन को ठहराव की बात करें, रुकने की बात करें, तो ये चितरंजन, मधुपुर, जसीडीह, झाझा, जमुई, किऊल, लखीसराय, मनकटा, बरहिया, हाथीदह, मोकामा, बार, बख्तियारपुर, खुसरूपुर, फतुआ, पटना साहिब, राजेंद्र नगर। इसमें कुछ एक दो स्टॉपेज जो है जो कि बढ़ाया गया है। तो ये थे चार ट्रेन जो कि अप डाउन की ट्रेन है। ये सावन के शुभ अवसर पे इसको ओपन किया गया है, खोला गया है। इस ट्रेन से आप देवघर जा सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से, जो कि इसमें देखा जाए तो कांवड़ियों का ही ज्यादातर यहाँ पे रहेगा, भीड़ रहेगा। तो इस ट्रेन को आप पकड़ के जा सकते हो, जो कि पटना बिहार से खुलने वाली है और आसनसोल तक जाएगी। तो आई होप की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और